छतरपुर के जौनपुर में तकनीकी कौशल विकास केंद्र सीकल सेंटर बनने की उम्मीद फिर से जाग गई है। कई महीने पहले यहां भवन निर्माण की इजाजत दी गई थी, ऐसी इजाजत यहां मेट्रो स्टेशन बनाने को भी मिल गई है। गांव के लोगों का कहना है कि रिच एरिया विवाद के कारण ये योजना रुकी हुई है, गांव वालों का भविष्य दिशा पा सकेगा। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ब्रह्मसिंह तंवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्मसिंह तंवर ने कहा कि 2012 में इस काम को लेकर केंद्र सरकार और बाहर के प्रधानमंत्री द्वारा मंजूरी दी गई थी और काम शुरू किया गया था, जिसको लेकर गांव वालों के अंदर खुशी की लहर देखने को मिल रही थी। काम चलते चलते 2019 अरविंद केजरीवाल ने इस काम को बंद करा दिया, जिससे गांव वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रह्मसिंह तंवर ने बताया कि दो दिन पहले गांव वालों की एक सभा हुई, जिसमें सारे गांव वाले और भारतीय जनता पार्टी से रामवीर सिंह बिधोड़ी मौजूद रहे। NBC न्यूज के लिए दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट।